रुई जैसे सॉफ्ट, मुलायम स्वाद में जबरदस्त सेहत के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी लेके हाजिर हूँ मैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अलीशा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी तड़का विद अलीशा में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में दुनिया के सबसे ज़्यादा सॉफ्ट जालीदार स्पॉन्ज डोसे की एक ऐसी रेसिपी जो कि साउथ में बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है, जिसको ट्रेडिशनली मूंगफली की चटनी के साथ में सर्व किया जाता है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इस रेसिपी को आप इंस्टेंटली कभी भी बना सकते हैं, झटपट बनके तैयार हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में एक बूंद तेल का भी इस्तेमाल नहीं होता है, जिस वजह से ये काफ़ी हेल्दी है। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक नंबर रेसिपी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेसिपी को ट्रेडिशनली मूंगफली की चटनी के साथ में सर्व किया जाता है, लेकिन आज मैं देने वाली हूँ इस रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि आज मैं इस रेसिपी को मूंगफली की चटनी के साथ में नहीं बल्कि चने की दाल की एक स्पेशल चटनी के साथ में सर्व करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस डोसे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े कप लिया हुआ है सूजी। ये मोटी वाली सूजी है, आप यहाँ पे कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, चाहे पतली हो या मोटी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको एंड लास्ट में हमें पीसना ही है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस सूजी को हम ट्रांसफ़र करते हैं इस तरीके से एक बोल में। मैंने यहाँ पे 3 कप सूजी ली हुई है, आप अपने हिसाब से इसकी क्वान्टिटी को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छा, इस सूजी में हम ऐड करने वाले हैं अब दही। दही मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है, मतलब अगर आपके पास में 3 कप सूजी है तो आप 1 कप दही लीजिए। इसकी मेजरमेंट को आप पूरी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये डोसा आपका गड़बड़ भी बन सकता है। इसके बाद में इसमें हम मिक्स करने वाले हैं 1/2 चम्मच नमक, आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद में 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चीनी, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप इस टेस्ट को पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें पानी हमें एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी हमें इसमें डालना है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होती रहें, उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। एक साथ में हम पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस हमें इतना ही इसमें पानी डालना है कि हमारी सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए और बढ़िया से ये फूल जाए। और ये देखिए, फटाफट हमारे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालने वाली हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ड्राई पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि सूजी थोड़ी सी फूलती भी है। तो इस वजह से मैंने सारा पानी, करीब यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है, आप इसको अपने हिसाब से डाल लीजिए। इतना ही आपको पानी ऐड करना है जिसमें ये सारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस पेस्ट को हम करीब 10 से 15 मिनट तक ये रखते हैं रेस्ट पर, तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए मैंने यहाँ पर ली हुई है इस तरीके से एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे गरम किया हुआ है करीब 1 स्पून तेल, और यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच ली हुई है चने की दाल। इस दाल को हम करने वाले हैं इस कढ़ाई में रोस्ट। साथ ही मैंने यहाँ पे ली हुई है 1 साबुत मिर्च और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। इन सभी चीज़ों को हमें बढ़िया से इसमें 3 से 4 मिनट तक की भून लेना है। इतना हमें भूनना है कि इसमें एक सोनापन आ जाए, क्योंकि जब भी आप इसको भूनेंगे ना तो एक इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी और जो दाल है हमारी हल्की सी ब्राउन कलर की भी दिखने लगेगी। और ये देखिए, हमारी दाल पूरी बढ़िया से भुन चुकी है। जब मैं यहाँ पर जो चने की दाल की चटनी की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये भी टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त लगती है ना कि आप मूँगफली की चटनी को भी भूल जाएंगे। मूँगफली की चटनी का तो अपना अलग स्वाद होता है, लेकिन इसका भी एक अपना अलग स्वाद है। तो चलिए, हमारी दाल बढ़िया से रोस्ट हो चुकी है और थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है, और अब हम इस तरीके से ग्राइंडर में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला हुआ है नमक। नमक को ऐड करने के बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी इसको पीसने के लिए। एक साथ में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हमें अगर कम लगेगा तो पीसते टाइम में इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने चटनी को पीस के कर लिया है एकदम तैयार, और चटनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। अगर आपको ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें 1-2 स्पून पानी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, इसमें टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो चलिए, इस पेस्ट को, इस चटनी को निकाल के हम रख लेते हैं साइड में और ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम इस तरीके से एक कटोरी में। आप किसी भी बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, और ये देखिए हमारी चटनी कितनी ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। इस चटनी को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ इसमें तड़का। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लिया हुआ है सरसों का तेल। तेल जैसे ही गर्म होता है, मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच डाली हुई है राई।
राई को बहुत ही बढ़िया से चटक जाने देते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हींग। हींग का फ्लेवर इस चटनी में बहुत ही बढ़िया आता है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसी के साथ में एक साबुत मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और इस तड़के को डालते हैं हम इस तरीके से चटनी पे। और लीजिए, हमारी चने की दाल की स्पेशल चटनी बनके हो गई है एकदम तैयार। और दूसरी साइड में हमारी सूजी भी बढ़िया से फूल चुकी है और इस सूजी को हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें पेस्ट को तैयार करना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें पतला पेस्ट नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हमें गाढ़ा पेस्ट नहीं चाहिए। इस तरह से जब हम स्पून से इसमें गिराएं तो ये गिरना तो चाहिए पर यहाँ पे कोई उस टाइप का कोई लेयर ये इस टाइप का नहीं बनना चाहिए, तभी हमारा जो है जो पेस्ट है परफेक्ट बनेगा। इस पेस्ट में थोड़ा से जाली बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सोडा के डालते ही कितना बढ़िया से हमारा जो पेस्ट है फूल चुका है, बढ़िया सा फ्लफी फ्लफी सा हो गया है। अच्छा, जब हमारा पेस्ट इस तरीके से फ्लफी सा हो जाए, रेडी हो जाए, तो तुरंत हमें इसके डोसे बनाने होते हैं। इसको बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं होता है। अगर हम रुक जाएंगे तो इसमें जो जालियां हैं ना वो नहीं पड़ेंगी और हमारा डोसा जो जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही गैस पर तवा चढ़ा दिया था और तवा के चढ़ाते ही जैसे ही वो बढ़िया से गर्म हो जाए उसके बाद में उसको मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए और जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया हुआ था ना उस पेस्ट को हम इस तरीके से डाल देंगे। अच्छा, इस पेस्ट को इस हमें बिल्कुल भी तवे पे फैलाना नहीं होता है। जैसे कि ये डलता है वैसे तुरंत ही फैलने लगता है अपने आप और 3 से 4 मिनट के बाद में ये जैसे जैसे पकता जाएगा इसमें जालियाँ बनती जाएंगी। और ये देख पा रहे हैं आप किस तरीके से इसमें बढ़िया से जाली बन रही है और हमारा जो डोसा है वो एक साइड में बहुत ही बढ़िया से पक चुका है। ये देख रहे हैं आप नीचे से कितने बढ़िया ब्राउन कलर आ चुका है और ऊपर से भी ये पूरी तरीके से पक चुका है, ऐसा वाइट वाइट सा है। इसका मतलब ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरीके से बढ़िया से पक चुका है। तो चलिए, हमारा डोसा तो बनके हो गया है रेडी। इसको निकाल के रख लेते हैं हम साइड में और इसी तरीके से दूसरे डोसे भी हम फटाफट रेडी कर लेते हैं। इसके लिए फिर से हमने पेस्ट को तवे पे गिराते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की कि इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये जो डोसा होता है ना इसमें बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो चलिए फटाफट डोसे बना के रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा बढ़िया जबरदस्त जाली वाला डोसा बनके हो गया है तैयार। और ये देख पा रहे हैं आप इसमें कितना बढ़िया कलर आया है दूसरी साइड में और एकदम कितने प्यारे से इसमें जालियां पड़ गई हैं। और ये दिखने में जितना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, खाने में ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ही हल्का था। आप देख पा रहे हैं इसको हम जैसे चाह रहे हैं वैसे फोल्ड कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बना है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये देखिए, मोड़ने के बाद में जैसे ही मैं इसको खोल रही हूँ ये अपना शेप ले रहा है। और तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए कितने बढ़िया इसमें जाली पड़ी हुई है और टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। और आप इस डोसे को चने की दाल की चटनी के साथ में एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मूंगफली के साथ में तो सारे ही डोसे हम सर्व करते हैं, खाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।